बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे आज का मौजू जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि कैश, चेक्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ ऑल दी कंज्यूमर पेमेंट्स इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो या तो कैश के थ्रू होती हैं या चेक्स के थ्रू होती हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू होती हैं। और ज़्यादातर जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो ये पेमेंट्स होती हैं ऑटो लोन्स के लिए, इंश्योरेंस की पेमेंट्स होती हैं, मॉर्गेज की पेमेंट्स होती हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है सन 2004-2005 का, एक स्टैटिस्टिक्स है जिसके मुताबिक जो है कैश ट्रांजैक्शंस जो है सबसे ज़्यादा होती हैं। 35% ऑफ द टाइम जो है कैश ट्रांजेक्शन हो रही होती है, चेक्स 21%, क्रेडिट कार्ड 19%, डेबिट कार्ड 17% और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर 5%। इस तरीके से अगर आप देखें कि डॉलर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस अमाउंट की हो रही है, उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालें तो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती हैं, बड़ी ट्रांजेक्शंस, वो चेक्स की सूरत में होती हैं या क्रेडिट कार्ड्स की सूरत में परफॉर्म हो रही होती हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स की बेसिक्स पे फर्दर हम गुफ्तगू फरमाएं तो एक कॉन्सेप्ट है स्क्रिप्ट का, जिसको चिट भी कहते हैं। तो इज़ अ टर्म फॉर एनी सब्सटीट्यूट फॉर लीगल टेंडर एंड इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट। चिट पे आप लिख दें कि ये अमाउंट है, तो इट्स अ डिजिटल कैश मिंटेड बाय अ कंपनी इंस्टेड ऑफ बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट जो है उसके बिहाफ पे करेगी, बल्कि कोई कंपनी जो है वो इशू करती है ये चिट या स्क्रिप्ट। एंड इट कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर कैश। इट्स लाइक अ गुड गिफ्ट सर्टिफिकेट दैट इज गुड एट मोर देन वन स्टोर। लाइक अ गिफ्ट सर्टिफिकेट है, आपको चिट मिल गई है, आप उसकी बेस पे जो है डिफरेंट स्टोर से जो है शॉपिंग कर सकते हैं। पेमेंट कार्ड्स, पेमेंट कार्ड्स जो है बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, और इट डिस्क्राइब्स ऑल ऑफ दी प्लास्टिक कार्ड्स दैट आर यूज टू मेक परचेजेस, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, जिसमें एक स्पेंडिंग की लिमिट होती है, आप जो है क्रेडिट के ऊपर जो है ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। देन डेबिट कार्ड है, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतनी ही शॉपिंग आप कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट से आप क्रेडिट होल्डर्स या कार्ड होल्डर जो है उसके बैंक अकाउंट से आप जो है अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, एक के अकाउंट से निकलते हैं दूसरे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। चार्ज कार्ड जिसमें दो स्पेंडिंग स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती, तो इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड, जो भी अमाउंट चार्ज होती है वो एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड आपको पे करनी होती है। पेमेंट कार्ड्स के एडवांटेजेस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आपके पास क्रेडिट कार्ड जो है या डेबिट कार्ड वो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, आप कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी विदड्रॉ कर सकते हैं। बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है फॉर मर्चेंट्स,
डिसएडवांटेज क्या है इस पे, जो है कुछ हिडन कॉस्ट भी होती है, ट्रांजेक्शन फी होती है, मंथली प्रोसेसिंग फी होती है जो कि पे करनी पड़ती है। अब आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक बाकायदा प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो मर्चेंट होता है वो आपकी पेमेंट कार्ड को ऑथेंटिकेट करता है कि आपका पेमेंट कार्ड सही है। आप जो है वैलिड पर्सन है, देन मर्चेंट चेक्स विद द पेमेंट कार्ड इश्यूअर कि उसके पास अप्रोप्रिएट फंड्स अवेलेबल है, इतने पैसे उसके अकाउंट में मौजूद हैं। देन फिर ये भी देखना होता है कि उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो लगेंगे उसके ऊपर, तो इतने पैसे उसके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद जो है सेटलमेंट हो जाती है, ट्रांजेक्शन हो जाती है। ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम्स, क्लोज लूप सिस्टम्स जिसके अंदर कार्ड इश्यूअर जो है वो डायरेक्टली डीलिंग कर रहा होता है, देयर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व। जबकि ओपन लूप सिस्टम के अंदर देयर आर थ्री और मोर पार्टीज इन्वॉल्व इन बिटवीन, जिसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड की एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि बीच में एक इंटरमीडियरी होती है जिसके थ्रू जो है ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। मर्चेंट अकाउंट्स होते हैं तो पेमेंट कार्ड्स की प्रोसेसिंग के लिए जो है एक मर्चेंट अकाउंट सेटअप करना ज़रूरी है। मर्चेंट जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बिजनेस प्लान्स देगा, अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स की डिटेल देगा और बिजनेस और पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करेगा। अब डिफरेंट इंटरमीडियरीज हैं जो कि पेमेंट कार्ड्स की प्रोसेसिंग करती हैं, जैसे इंटरनेट सिक्योर है, प्रोवाइड सिक्योर पेमेंट कार्ड सर्विसेज, फर्स्ट डेटा है, प्रोवाइड्स पेमेंट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज वाया आईसी वेरीफाई एंड वेब ऑथराइज, बैंक्स आर कनेक्टेड टू एन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस थ्रू हाईली सिक्योर प्राइवेट लीज टेलीफोन लाइंस। तो एक पेमेंट कार्ड की प्रोसेसिंग ऐसी होती है कि कस्टमर जो है इंटरनेट के थ्रू जो है मर्चेंट की वेबसाइट पे जाता है, मर्चेंट की वेबसाइट पे लॉगिन होता है, वो बीच में यहाँ पे एक इशुइंग बैंक है तो पेमेंट कार्ड जो है ऑथराइजेशन कंपनी बीच में मौजूद है, एक क्लियरिंग हाउस है, फिर मर्चेंट का बैंक अकाउंट है। तो कस्टमर जो है इंटरनेट के थ्रू जो है मर्चेंट की वेबसाइट से कनेक्ट हुआ, फिर आपके पास जो पेमेंट कार्ड है उसकी ऑथराइजेशन होती है, इशुइंग बैंक के पास वो जाता है और क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, मर्चेंट के बैंक अकाउंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जो पेमेंट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी है वो ऑथराइज करती है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड जो है वो वैलिड है या नहीं है, और देन मर्चेंट के बैंक अकाउंट से जो है उसमें पैसे जो है क्रेडिट हो जाते हैं या डेबिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश, इट्स अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स एनी वैल्यू स्टोरेज एंड एक्सचेंज सिस्टम क्रिएटेड बाय अ प्राइवेट एंटिटी दैट डज नॉट यूज पेपर डॉक्यूमेंट्स और कॉइन्स। इलेक्ट्रॉनिक कैश एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो है पेपर यूज नहीं होता या कॉइन्स यूज नहीं होते। इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नमेंट इशूड फिजिकल करेंसी। तो स्मॉल पेमेंट्स के लिए जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश को।
और विदाउट क्रेडिट कार्ड जो है आप कुछ सर्विसेज और गुड्स को जो है परचेज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो पेमेंट्स एंड स्मॉल पेमेंट्स, तो ऐसी पेमेंट जो कि बहुत छोटी पेमेंट हो, फ्यू सेंट्स की पेमेंट हो या $1 की पेमेंट हो, ये माइक्रो पेमेंट कहलाती है। और स्मॉल पेमेंट जो है लेस देन $10 की पेमेंट हो तो उसको स्मॉल पेमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू है, इंडिपेंडेंस का इशू है, पोर्टेबिलिटी का इशू है, कन्वीनियंस का इशू है।